नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुनारी तोमर। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि शिप्रा नदी को दूषित होने से रोकने के लिए कांग्रेसी नेत्री नूरी खान को जल सत्याग्रह करना भारी पड़ गया है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि शिप्रा नदी में खान नदी का गंदा पानी मिल रहा है, इसकी वजह से शिप्रा नदी का पानी काला और दुर्गंध वाला हो चुका है। यही कारण है कि यहाँ नूरी खान यहाँ जल सत्याग्रह करने पहुंची थी और करीब 2 घंटे से अधिक देर तक पानी में खड़ी रही। इसके बाद नूरी खान अचानक पानी में डूबने लगी, जिसके बाद तत्काल गोताखोरों ने उन्हें डूबने से बचाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। को हमने जैसे कि आप देख रहे थे चर्चा की गई, चर्चा में उनको समझाने की पूरी कोशिश की गई कि जो भी मैटर है उसको हम बाहर भी उसको बैठ के चर्चा से और अन्यथा जैसे भी होगा उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन वो नहीं मानी तो फिर उनको वहां से निकलवा के और हॉस्पिटल एहतियातन पहुंचाया है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उनका मुख्य मुद्दा यही है कि क्षिप्रा का शुद्धिकरण हो और उसमें कोई गंदगी या ऐसा न रहे जिससे कि आचमन करने में दिक्कत आए, ऐसा कुछ उन्होंने। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्याग्रह किया जा रहा था नूरी खान का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उज्जैन से प्रेम, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम, आपसे पूरी जानकारी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि शिप्रा नदी में डूबते हुए नजर आई है नूरी, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे प्रेम। जी हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं कि उज्जैन की जो शिप्रा नदी है इसमें लंबे समय से गंदे नाले व खान नदी जो कि इंदौर से उज्जैन की ओर आ रही है उसका दूषित पानी मिल रहा था। यहाँ पर मकर संक्रांति पर्व स्नान के लिए प्रशासन ने शिप्रा नदी के पास में खान नदी जो है उसमें अस्थायी मिट्टी का डैम बनाया था, जो कि मकर संक्रांति के 2 दिन बाद ही टूट गया, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो गंदा पानी है वह शिप्रा नदी में मिल गया और यह जो पानी है रामघाट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी का जो पानी है वो पूरी तरह काला दिखाई दे रहा है। इसी बात को लेकर 2 दिन पहले साधु संत भी आंदोलन पर थे, उन्होंने खुद ने धरना दिया था, वे खुद ये मांग कर रहे थे कि यहाँ का इस पूरी घटनाक्रम का स्थायी कोई हल हो। इसके बाद जो कांग्रेस की जो नेत्री है, कांग्रेस नेत्री है जो की महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने एक दिन पहले ही अल्टीमेटम जारी कर दिया था कि वे आज यहाँ पर धरने पर बैठेगी, जल सत्याग्रह करेगी। इसी के तहत वे शिप्रा नदी पहुंची सुबह और उन्होंने जल सत्याग्रह किया। वे शिप्रा नदी में उतरी भी सही, लंबे समय तक वे यहाँ पर बैठी रही, करीब 2 से 3 घंटे तक वे नदी में खड़ी थी। इस दौरान जब उन्हें कुछ चक्कर आने लगे और वो नदी में डूबने लगी। जी प्रेम, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।